दो पे चलते हैं, आकृति 8.13 में ये रहा फिगर। टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना। तो सब देखिए, सब छोड़िए, पहले देखिए दो भुजा दी है ना, तीसरा निकालिए, क्यू आर निकालना है, आधार निकालना है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, समझ रहे ना, यानी हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा दिया आ जाएगा रूट 25 ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा, इसका मान आपका क्यू आर का 5 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, तो आपको टेन पी और कॉट आर से मतलब है, तो आपको बता रखे हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी कि पी बटा बी है ना, और कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है, ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना। तो आपको निकालना है किसका, टेन पी माइनस कॉट आर का मान, ठीक है। तो टेन पी यानी कि यह कोण ले रहे हैं, तो यह जब कोण ले रहा है तो सामने वाला लंब होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, कोण के सामने वाला लंब और ये दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा आधार, यानी कि यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा टेन पी के लिए क्यू आर बटा में पी क्यू, ठीक है, माइनस कॉट आर के लिए, चलिए जब यह कोण ले लिए तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो यहाँ फॉर्मूला होता है कॉट में आधार बटा लंब ना, कॉट में आधार बटा लंब, तो यहाँ भी हो जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू, ये डायरेक्ट यहीं से भी जीरो लिख सकते हैं या दोनों का मान भी लिख के हम लोग जीरो ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 यानी कि कट के आ गया जीरो, इसका मान क्या आ गया जीरो। क्वेश्चन नंबर